अगर तुम्हें लगता है कि किसी को रुलाकर तुम खुश रह लोगे तो अफसोस है तुम्हारी सोच। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई मददगार नहीं हो सकता। वही तो है जिसके सामने रोऊं तो मजाक नहीं बनाता। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां मोहब्बत, सुकून और बरकत नजर आती है। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो नमाज से दूर ना हो सके। नमाज में नामुमकिन भी मुमकिन हो जाया करते हैं। बहुत हिम्मत वाली हूँ मगर कभी हार जाती हूँ। कुछ बातें सुनकर और कुछ लहजे देखकर। कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। जब अल्लाह की मर्जी होती है तब चीजों में लॉजिक नहीं मैजिक होता है। इंसान तो सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस शुक्र, सब्र, इखलास।